हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एसर्शन वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज पाथ इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। रीजन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q और Q2, Q1 और Q2, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। लेट्स सपोज ये दोनों डी डिस्टेंस पे हैं, तो इन दोनों के बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। उस फोर्स को हम लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो सबसे पहले तो हमें बोला है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ये जीरो है। बट हमें पता है कि वर्क डन जो होता है क्या होता है, बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लोज लूप बोला है, यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ था वापस से वहीं पे वो ट्रेवल करके आ रहा होगा पाथ पे अपना, तो डिस्प्लेसमेंट तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा यहाँ पे। सो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। एंड सेकेंड में बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। सो यस, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही देखता है। सो यस, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।